इतना हो गया है। मैं पहली बार पैसा देके अंदर घुस रहा हूँ। यहाँ पे नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल दिया है। अभी यहाँ मैं बालू साफ कर रहा हूँ, मेरा बेटा को सेटअप चेंज कराना है। मेरा 3 दिन से बेटा पता नहीं क्या हो गया, बॉटम में बैठ गया, स्विम भी ज़्यादा नहीं कर रहा है। क्या बीमार हो गया पता नहीं, पानी खराब हो गया कि। अभी बेटा को मैंने यहाँ पे रख दिया है एंड ये सब निकालेंगे एंड यहाँ पे बालू डालेंगे, नया सेटअप करेंगे। सो अभी पानी सब निकाल दिया है एंड दैट्स व्हाई आई बॉट दिस, इसको थोड़ा साफ करने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ लगा दिया है ब्लैक वाला जो फिन, यहाँ पे लगा दिया है बालू हम लोग ने। इतना हो गया है, अब ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ मछली डालना बाकी है। सो छोटा सा चेंज किया है, थोड़ा छोटा सा। आई होप गोपी लाइक्स इट एंड सॉरी माय बेटा लाइक्स इट। अभी यहाँ एक्लेमेशन करते हुए आपका हो गया है ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। सो इसको खोल देते हैं अभी के लिए। हो गया है यहाँ पे, अब होप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो इसको। खाना नहीं खा रहा है, बस ऐसे छोड़ देंगे, देखते हैं खाता है कि नहीं खाता है। फाइनली ये थोड़ा सा एक्टिव हो रहा है, अभी थोड़ा सा स्विम कर रहा है ऊपर ऊपर। खाना तो दिया नहीं, खाया अभी, शाम को देखते हैं, अभी ऐसे छोड़ देते हैं। थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल दिया, तो मे बी उसकी वजह से हो गया पानी वानी चेंज, आई होप। एंड मुझे भूख लग रहा है अभी एंड लाइक कितना बजे, 12:30 हो गया। सो सुबह से कुछ नहीं खाया, आई फॉरगॉट लाइक आई हैवन्ट हैड एनीथिंग, कुछ भी नहीं खाया मछली के चक्कर में, भूल गया खाना खाना। सो अभी भूख लग रहा है, आई वॉज थिंकिंग मुझे भूख क्यों लग रहा है। सो एनीवेज अभी हो गया, थैंकफुली ये तो अभी थोड़ा स्विम कर रहा है। एंड मैंने पवन भैया से कोलकाता से सामान भी मंगाया, एकदम 2015 के आसपास के सामान का। सो एनीवेज उसका इंतज़ार रहेगा कल, क्योंकि सुबह आज शाम को मेरी बहन जो ट्रैवल वापस आ रही है, सो कल पहुँचेगी। एंड मछली भी मंगाया है एंड फिल्टर वगैरह वो सबका। सो ऐसे हुए एंड स्टेट्यूड वो देखने के लिए। अब यहाँ पे अर्जुन के घर पे एंड लाइक वी आर अबाउट टू मूव टू भूटान, थोड़ा सा काम है। और सरली बोल वो बोला सो अब खाना बाद में आके खाएंगे। सो मैं और वो जाने वाले हैं भूटान, थोड़ा सा घूम तो नहीं लेंगे, सिर्फ जाके आएंगे, बाद में जाएंगे आप लोग भी भूटान आप लोग से दिखा देंगे। मैंने बोला तो था लाइक जाएंगे बोल के, पर बिजी बहुत हो रहा है, सो जाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। सो एक्चुअल में यहाँ पे एक जो आई लव जयगन का वो सेटअप ही लगा है, जब से वो बना है मैं गया भी नहीं हूँ, अब कोलकाता में तो रहता था। सो अभी अभी तो आया हूँ और आके भी बहुत इधर उधर कर रहा हूँ। तो एनीवेज जल्दी दिखा देंगे आप लोग को, सो बने रहेगा। मैं पहली बार पैसा दे के अंदर घुस रहा हूँ भूटान के अंदर, 10 रुपये भूटान में हम लोग निगल ट्रम बोलते हैं, इंडिया में रुपीस तरीका। मैं नहीं घुसने का कारण ये भी था, पैसा देना पड़ता था इसलिए नहीं घुस रहा था शायद अनकॉन्शियसली। इंडिया और भूटान का देखिए डिफरेंस, जैसे ही अंदर आ गया टर्मिनल से सब हरियाली, चारों तरफ हरियाली हरियाली। आप लोग थोड़ा सा देखिए व्यू भूटान का, वो फेमस किजोंग कैफे, और एक भी नहीं गए, एक भी बार नहीं गए हम लोग। अर्जुन यहाँ पार्क जाने का जिद कर रहा है बच्चे के जैसा, सोचा रहे सो जा रहे हैं अभी थोड़ा सा पार्क, थोड़ा सा एकदम वेल बिल्ट अच्छे बना दिया, ये सब कुछ भी नहीं था पहले, सब बनाया ये सब एकदम। मंकी क्लाइंबिंग देखिए, इतना खूबसूरत गुम्बा है ना यहाँ पे, ये तो बहुत पुराना है स्टिल स्टैंडिंग। थोड़ा साइड वो ये सब थोड़ा रिनोवेट, ये सब वगैरह थोड़ा सा रिनोवेशन, ये तो पहले से ही है और अंदर का भी नहीं गए अभी तक, बंद तो रहता था हमेशा। तो इसमें ऐसा है और जस्ट इमेजिन करें इसमें इतना बड़ा बड़ा छोटा छोटा मछली कितना अच्छा दिखता होगा। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल वेल विशिंग, की विशिंग वेल होता है ना वो, लाइक वो सिक्का फेंक के विश करते हैं।
सो लाइक विश पूरा हो जाए, सपना पूरा हो जाए उसके लिए। वही है ये। पढ़ने का जरूरत नहीं है, मेहनत करने का जरूरत नहीं है। सब कुछ इस प्रकार बैठे हैं सब, क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड एज लोग, ओल्ड पीपल अपना टाइम पीस ढूंढते हुए यहाँ पे बैठे हैं सब। यहाँ हमारा फोटोग्राफर इस प्रकार। नाउ वी आर अबाउट टू एग्जिट नाउ। थोड़ा सा आ गए हैं तो थोड़ा सा तो घूमना बनता है। घूमता नहीं है, सिर्फ मंदिर का दर्शन, गुम्बा का दर्शन। भाई आप लोग सिर्फ व्यू देखिए, इतना खूबसूरत बना दिया ना। आपका भूटान का टर्मिनल ये है एक्चुअल में, टर्मिनल यस। सो बाहर निकलते हुए कुछ ऐसा है आपका व्यू। अब हम लोग एग्जिट करने वाले हैं वहाँ पे। अब आ चुके हैं इंडिया और देखिए इंडिया का हालत। बाबा रे बाबा, पहुंच चुके घर, खाते हैं, बहुत सुबह से कुछ नहीं खाया। एंड दिस इज न्यूट्रेला पोटैटो एंड विथ टोमेटो का अलग से विद चीज सब्जी। थक गया। सो अभी एक भैया को कॉल किए, सो वाटर टेस्ट करने के लिए जाएंगे दुकान में, और मतलब विजय भैया जो एक्वाटेक वाले भैया, सब अर्जुन में जाएंगे, ऑनर है। सो पानी डाल दे, वो पानी डालेंगे इसमें, हम लेके जाएंगे इसमें वाटर। सो उधर जाके चेक करेंगे भाई क्या हो गया यार। अब इन भैया बोल रहे थे कि लाइक इंटरनल पैरासाइट हो गया या फिर पानी में ख़राबी है। सो लेके जाएंगे टेस्ट करने के लिए, देखिए हालत क्या हो गया भाई। अच्छा अब उधर ही मिलते हैं आप लोग को। तो अब यह है यहाँ पे ऑरिजिनल में विजय भैया का है एक्वाटेक एक्वेरियम शॉप। इज वेरी नॉलेजेबल इफ आई हैव टू से, होता है ना, एकदम बहुत स्टडी करके क्या। सो अभी भैया बाहर गए हैं, सो हम लोग को बुलाया, सो यानी एक भाई है बोल के, वो भैया हम लोग को फ़ोन में बता देंगे लाइक करना क्या है। भैया ने हम लोग को चाबी दे दिया है, ये भैया के हाथ में चाबी रखता है। सो फोन में हम लोग अभी तक एंड चाबी दे दिया है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हिम, ही इज अलोइंग अस इनसाइड। सो दैट इज द किट। हेलो। सो भैया का ये है सब कुछ। सो दिस इज द किट एंड 5 ml पानी डाल दिया यहाँ से, यहाँ से नाइट्राइट पिंक वाला होगा। सो यहाँ पे नाइट्राइट सॉल्यूशन डाल दिया है। जब सॉल्यूशन डालते समय तो मुझे केमिस्ट्री का लैब करते समय वो सब याद आ रहा है भाई। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, हम लोग को अलाउ किया अंदर और भैया का किट चलाने को परमिशन दे रहे हैं। पानी तो एकदम ठीक है बोल रहा था, लाइक वहाँ जाके टेस्टिंग किया पूरा, वो भैया ने हीटर दे दिया है। सो एक बार ट्राई करने के लिए, पानी ठंडा की वजह से भी हो सकता है, पर संभावना ये है कि इंटरनल ऑर्गेंस ही खराब हो गया, इंटरनल डिजीज है। सो इफ़ दैट इज़ द केस देन बहुत मुश्किल है इसको ठीक करना। अरे अचानक से क्या हो गया यार। अभी आपके हो रहे 10 बज रहे हैं, सो एंड बारिश भी हो गया, बारिश अचानक से पड़ने लगा, सो इसलिए सोने में मज़ा आता है। पर अब अभी का मेरे बेटा का अपडेट या ये कि लाइक पवन भाई से बात किया, सो पवन भाई बोल रही कि लाइक दिन में 2 बार पानी चेंज करने के लिए एंड आफ्टर एवरी चेंज इन वाटर रॉक सॉल्ट डालने के लिए, सो एंड 2 दिन तक खाना ना देने के लिए। सो आई एम जस्ट होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, कल सुबह तक बचे 2-3 दस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड अभी के डे तो गुड नाइट आप सब।